नव वर्ष के उपलक्ष्य में जहां विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट्स व अन्य स्थानों पर न्यू ईयर कार्यक्रमों का आयोजन बड़े लोगों द्वारा किया जाता है, वही करनाल में ऐसे भी दानवीर लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब लोगों के साथ नव वर्ष के कार्यक्रम आयोजित करते हैं एवं उनकी सहायता भी करते हैं। इसी कड़ी में करनाल के सेक्टर 32 व 33 में स्थित झुग्गी झोपड़ियों में आज न्यू ईयर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरीब बच्चों के साथ डीजे लगाकर नाच गाने का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर समाज सेवी राजीव चौधरी ने गरीबों में कंबल, मिठाइयां एवं अन्य जरूरत की वस्तुएं वितरित की। यहां हम आपको बता दें कि हर वर्ष बड़े स्तर पर नए वर्ष के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परंतु झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के साथ बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी खुशियां साझा करते हैं। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों और औरतों के चेहरे पर खुशियां देखते ही बनती थी। गौरतलब है कि कर्ण नगरी दानवीर कर्ण के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर विभिन्न संस्थाएं समाज सेवा के कार्यों में सदैव अग्रणी रहती हैं। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम गरीबों के चेहरे पर खुशी लाने वाला दिखाई दिया। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूँ तरुण मदान और आप इस समय देर समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूँ सेक्टर 32 और सेक्टर 13 की ऐसी जगह पर जहाँ पर गरीब और लाचार लोग रहते हैं, जो कि झुग्गी झोपड़े में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज 1 जनवरी 2021 यानी कि नए वर्ष का पहला दिन है। हम 2020 को अलविदा कह चुके हैं। कुछ लोगों ने 2021 के आगाज को अपने अपने तरीकों से मनाया, कुछ ने होटल में जाकर मनाया, कुछ ने रेस्टोरेंट में जाकर मनाया, कुछ ने अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनाया, लेकिन गरीब बच्चों के बीच में गरीब बच्चे इस नए साल को किस तरह से आगाज करेंगे, पिछले साल को किस तरह से अलविदा करेंगे, ये सही कई बेहतरीन नतीजे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं कि कर्ण की धरती है, कर्ण की भूमि है, लेकिन कर्ण की भूमि करनाल को कर्ण की भूमि इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो नाम मात्र के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से दानवीर कर्ण लोग मौजूद हैं कि जो कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे ऐसे लोगों ऐसे बच्चों के लिए जीते हैं, दूसरे ऐसे परिवारों के लिए जीते हैं जिनके पास इन खुशियों को मनाने के लिए कोई अवसर नहीं होता। ये लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर जरूर हैं लेकिन इनके मन में जोश है। हर ये बच्चे भी चाहते हैं इनके बीच में कोई ऐसे लोग आएँ, इनके बीच में भी कोई ऐसे लोग आए कि जो इनकी खुशियों को इनका हिस्सेदार बनाएं। और हमारे साथ इस समय आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से बड़ी मात्रा में ब्लैंकेट्स, कपड़े, फल, फ्रूट और डीजे का प्रबंध किया गया है ताकि ये बच्चे भी नए साल का आगाज कर सकें, नए साल की खुशियों को मना सकें। मैं आपको बता सकता हूँ, आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से फल, फ्रूट, ब्लैंकेट, इवन कि ड्राई फ्रूट तक इन बच्चों के लिए पड़ा है, इन बच्चों को दिया जाएगा, इन बच्चों को वितरित किया जाएगा। इसके लिए करनाल के कई लोग इस मुहिम में शामिल हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से इन बच्चों को बांटने के लिए ताकि ये भी पौष्टिक रूप से स्वस्थ हो सकें, इन बच्चों को सब कुछ मिल सके, ये बच्चे भी अपनी खुशी का इजहार कर सकें क्योंकि इनकी ये लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन कर्ण की भूमि करनाल के लोग कमज़ोर नहीं हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत से कर्णवीर हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत से ऐसे योद्धा हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इन खुशियों को इनके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, मिलने का प्रयास करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय मिस्टर राजीव चौधरी, जिन्होंने इस सारे प्रयास को पूर्ण करने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। राजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपको, आपके चैनल को, आपने इसको कवर किया, आपके माध्यम से यही बात करूंगा कि आपके आसपास भी बहुत सारी झुग्गियां होंगी, बहुत सारे गरीब लोग होंगे जो अपना जीविकोपार्जन बहुत सूक्ष्म उनकी आमदनी का जरिया है। पिछले 3-4 साल से हम लोग इन लोगों के बीच में होली, दिवाली और नया साल मनाते हैं। मन में एक भाव होता है कि हम इनका जीवन तो नहीं बदल सकते लेकिन एक कोशिश ज़रूर होती है, एक प्रयास होता है, एक ऐसा प्रयास होता है कि ये लोग कुछ घंटे, कुछ पल, जब आप अभी यहाँ देखेंगे बच्चों के लिए डीजे लगवाया जाता है हर साल, कुपोषण का शिकार है यहाँ के बच्चे, इनको फल दिए जाते हैं, बादाम की सेवा है, मिठाइयाँ हैं, गज्जक हैं, रेवड़ी हैं, मूंगफली हैं, बिस्किट्स हैं, बैलून्स हैं, बहुत सारी कोशिश होती है। नया साल हम लोग होटल्स में मनाते हैं, दूसरी जगह जा कर के मनाते हैं, हम लोग भी मना सकते हैं लेकिन हमें लगता है कि एक अकेले की वो खुशी हमारे परिवार तक सीमित होगी। ये खुशी आज हम
कम से कम यहाँ 500-600 बच्चे बुजुर्ग माताएं हैं, उन सबको उस ईश्वर ने हमें खुशी देने का एक छोटा सा माध्यम बनाया है। हमारा प्रयास होता है, आगे भी रहेगा। इन झुग्गी झोपड़ियों में हम लोग सुबह चाय की सेवा भी करते हैं और बहुत सारी जो मदद ज़रूरत का सामान है वो भी करते हैं। सब जितना भी कार्य है ये सब सेवादारों द्वारा दिए गए धन से, जो सेवाभावी लोग हैं, मैं आपके कैमरामैन से चाहूँगा, बहुत सारे सेवादार हैं जो यहाँ आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं इस कार्य में, जिन्होंने अपनी कमाई के हिस्से से दिया है। एक छोटा सा प्रयास मात्र है और आप सबसे भी गुजारिश है, आप अपने आसपास जो भी गरीब हैं उन लोगों से आप इस विषय में ज़रूर कहें, अरदास करें, प्रार्थना करें। अपने आसपास की झुग्गी झोंपड़ियों में गरीब लोगों को नए साल पे कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर दें, उनको भी लगे कि कोई नया साल है। इनको पता नहीं चलता इनके लिए 365 दिन सब एक जैसे हैं। यही मैं आपको संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी, और बहुत सारे सेवादार हैं, आप उनसे भी ज़रूर मिलें। उन लोगों की एक चीज़ बताइए, इन सब कार्यों करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारी जो करनाल की भूमि या करण की भूमि कहा जाता है, लेकिन आप जैसे करण जो करण हैं, जो कि सेवादार हैं, उनकी कमी नहीं है। हम लोग नेत्रदान की सेवा भी करते हैं, मैं स्वयं नेत्रदान लेता हूँ। हम लोग लावारिस लोगों का संस्कार भी करते हैं और भी लोग करते हैं। मॉडल टाउन शमशान करनाल में है, उनकी सेवाओं से भी हम जुड़े हुए हैं। वहाँ भी संस्कार सेवा है, चौथे की सेवा है। एक यही सेवा नहीं है, इसके अलावा जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे गरीब लोगों को राशन दिया गया, और मेरे माँ बाप ने मुझे ये प्रेरणा दी है। हम शुरू से ही, मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैं सिंधु बॉर्डर पे भी 2.5 क्विंटल बादाम की सेवा हम लोग दे करके आए थे, वितरण करके आए थे। तो समय समय पे जो भी बन पड़ता है, कि अगर हमारे माध्यम से ईश्वर ने हमें इस कार्य के लिए लाखों की करोड़ों की भीड़ से चुना है, तो हम इसको कभी भी वैसा महसूस नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कोई गरूर हमारे अंदर ना आए। राजीव जी, एक चीज़ बताइए, आपने भी मुझे बताया, आपने भी हमारे साथ बात करते हुए तो बताया कि यहाँ पर रहने वाले अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार है, जबकि सरकार ये कह रही है कि कुपोषण के खिलाफ उनकी जंग जारी है, और वो ऐसे कोई बच्चा नहीं छोड़ना चाहती जो कुपोषण का सरकार के प्रयास अच्छे हैं, सराहनीय हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कम है। बहुत सारी योजनाएं कागज़ में सिमट के रह जाती हैं और वो कागज़ तक ही रहती हैं, वो ज़मीन पे नहीं उतर पाती। यहाँ आके एक बार सरकार के नुमाइंदे आकर के देखें इन घरों में क्या हाल है। इनकी पेट के कीड़ों से हजारों बीमारियां होती हैं, प्रॉपर पेट के कीड़ों तक की दवाई नहीं दी जाती है ग्राउंड लेवल पे। तो यही कहूँगा कि सरकार ज़मीनी स्तर पर अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करे। राजीव जी, मैं अपने पीछे देख सकता हूँ इस तरह से जो आपने प्रयास किए, उस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ बच्चों को हम जूते भी देते हैं, कैप भी देते हैं, सर्दियों में सॉक्स भी देते हैं, जो बन पाए जरूर देते हैं। और सबसे बड़ा काम हम शिक्षा पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए राजी नहीं होते। मैं अपने सामने देख सकता हूँ कि जिस तरह से वो डीजे के थाल पर थिरक रहे हैं बच्चे, हमें तो अनुभूति हो रही है। इस अनुभूति को मैं महसूस करता हूँ, मुझे लगता है जो इनको खुशी है इससे बहुत ज़्यादा खुशी मेरे मन को है, बहुत सुकून मिलता है मन को और बहुत अच्छा महसूस होता है। देखिए, राजीव चौधरी जी हैं जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से इनका क्या पर्पज है, भी किस तरह से बच्चे जो सरकार का कुपोषण से रहित बच्चों को बनाने का प्लान है, वो बाकी तो ठीक है लेकिन कानूनी स्तर पर जमीनी स्तर पर वो इतना उचित नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे अब डीजे की थाप पर नाच रहे हैं, ऐसे बच्चों को देखकर हमारा मन तो प्रसन्न होता ही होता है, इन लोगों का मन भी प्रसन्न होता है। मैं और भी लोगों से जानने का प्रयास, आप देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे जो इन खुशी से वंचित रह जाते हैं, लेकिन आज राजीव चौधरी और उनकी टीम के सहयोग के माध्यम से वो अपने डीजे की थाप पर नाच रहे हैं और अपने नव वर्ष का जश्न मना रहे हैं। मैं सच में कहना चाहूँगा कि ये करनाल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, करनाल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे लोग करनाल के अंदर मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग करनाल के अंदर मौजूद हैं कि जो ऐसे बच्चों को ऐसा आनंद प्रदान कर रहे हैं जिसके लिए कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इससे पहले उन्होंने बताया कि वो किसान परिवार से संबंधित हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक मकसद है इन लोगों के बीच खुशियां बांटने का। बहुत काम करते हैं, दुखी रहते हैं, दिक्कत है,
हम वो तो दूर कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम थोड़े वक्त के लिए खुशी दे सकते हैं इनको। सर जिस तरह से बच्चे आप बीजेपी बच्चे आज बीजेपी ताल पर थिरक रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपने घर में नए वर्ष का आगाज मनाया, किसी ने होटल में जाके मनाया, किसी ने रेस्टोरेंट में जाके मनाया, किसी ने अपने परिवार के साथ मनाया, किसी ने अपने घर में बड़े बड़े आयोजन करके मनाया, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्या सोचा कि आपको इन बच्चों के बीच में आने का जो अवसर प्रदान हुआ, और मैं खुद भी देख सकता हूँ जो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है वो शायद आपको भी हो रही हो, क्योंकि जो प्रयास आप कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ एक ही कोशिश है कि बच्चों के मुख पे, उनके परिवार के मुख पे थोड़े वक्त के लिए अगर हम खुशी दे सकें तो इससे बड़ा हम कुछ नहीं समझते अपने आप में। देखिए खाना हम इनको रोज नहीं दे सकते, इनको हम अगर हम कहें एजुकेशन वो नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज़ हम जरूर दे सकते हैं, वो है थोड़े वक्त के लिए खुशी, कम से कम अपने दुखों को गमों को भूल करके नए साल में इंजॉय कर सकें, खुशी के पलों का एहसास ले सकें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित सचदेवा है। ये थे हमारे साथ अमित सचदेवा जी, इन्होंने हमें बता दिया कि किस तरह से ये चाहते हैं कि ये जो कर सकते हैं वो अपने स्तर पर वो कर रहे हैं, बच्चों के मुस्कान पर, बच्चों के शरीर पर, बच्चों के चेहरे पर, बच्चों के माता पिता के चेहरे पर थोड़े वक्त की मुस्कान दे सकते हैं, ये इनका प्रयास है, इसके लिए ये लगातार प्रयासरत हैं और आगे भी इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, मैं आपसे मिलना, मैं आपको और भी बताऊंगा, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा किस तरह। ये मेरे साथ नाहर सिंह जी हैं, नाहर सिंह जी वरिष्ठ समाज से। नाहर सिंह जी आप बताइए कि इन बच्चों के बीच ऐसी खुशी देख कर आपको क्या महसूस होता है? सर इन प्रकार के बच्चों को पहले कभी इस प्रकार के फंक्शन में कभी सम्मिलित नहीं किया जाता, परंतु एक विशेष मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा जो सभी लोगों ने ये ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे अर्जित किया है, और इन लोगों को भी एक समाज का हिस्सा बनाने के लिए, समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे एजुकेशन ना होने के कारण कहीं ना कहीं वो भीख मांगने काम करते हैं, या कूड़ा बीनने काम करते हैं, या कहीं ना कहीं कोठियों में काम करते हैं, या जूठे बर्तन धोने का काम करते हैं, और ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते, इस कारण कहीं ना कहीं समय के अनुकूल जैसे ये बच्चे मिट्टी है, इनको कोई भी रूप दिया जा सकता है, ये गलत हरकत में गलत संगत में पड़ जाते हैं, और संगत में पड़ने के कारण वो रास्ता बदल जाता है। और मैं तो जो आयोजक हैं आज के सारे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों को भी कि आप लोग इनकी कवरेज दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि बच्चे मिट्टी हैं, इनको जैसा प्ररूप दिया जाएगा वो उसी में ढल जाएंगे, अगर इनको मटका बनाया जाएगा तो मटका बनाया जाएगा, और इनको अगर गलत संगत में डाला जाएगा तो गलत संगत में ढल जाएंगे। लेकिन नाहर सिंह जी भी आज के आयोजकों को इसका सारा श्रेय देते हैं कि जिन्होंने इन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि इनका यह भी कहना है कि बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, बच्चों को पैसा नहीं दे सकते, बच्चों को हर समय खाना नहीं दे सकते, लेकिन जो इन तक पॉसिबल है, जो इनके लिए पॉसिबल है वो ये कर रहे हैं, और इसके लिए आज के आयोजकों को भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी मात्रा में बच्चे और बड़े नए वर्ष के आगाज के लिए खुशी मना रहे हैं। इनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की गाइडलाइंस की अवहेलना ना हो सके। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं में, बच्चों में और बुजुर्गों में और युवाओं में किस तरह से जोश है। मैं युवाओं से बात करने का प्रयास करूंगा जो इस तरह के इतने साधन संपन्न नहीं है कि वो ऐसे प्रोग्राम में आयोजन कर सके, बड़े आदमी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में आकर इन प्रोग्रामों को आयोजित करना और ऐसे लोगों को खुशी प्रदान करना, वास्तव में मैं कहना चाहूँगा
ये करनाल के लोगों का ही देन है। करनाल के लोग वास्तव में ही करण हैं। जिस तरह से करनाल की भूमि पर करण अपने वजन के मुताबिक दान किया करता, उस हिसाब से करनाल के कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने वजन के मुताबिक तो नहीं लेकिन अपने औचित्य के मुताबिक, अपनी क्षमता के मुताबिक दान करते हैं और ऐसे लोग मुझे प्रदान करने का प्रयास करते हैं जिनको जो इसलिए सक्षम नहीं है। मैं करूँ मतदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी देव समाचार से के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.